और इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां कन्नौज में प्रधानी की रंजिश में एक गैंगवार शुरू होने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोर्ट में पेशी पर जा रहे बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि हत्या करने वाले मंजीत और डब्बू ने पिता की मौत का बदला लेने का हवाला दिया है। आपको ये भी बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के तहसीमपुर गांव का जो है ये पूरा मामला है, जहां पर गांव के बाहर गोली मारी गई। इसके साथ ही नीलेश पर कुछ दिन पहले पुलिस ने गैंगस्टर आरोप भी लगाया था। हत्या के बाद तनाव देखते हुए गांव में पीएसी सहित भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। ये पूरा मामला गैंग वॉर से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां पर पिता की मौत का बदला लेने के लिए इसका हवाला दिया गया है कि पिता की मौत का बदला लेने के लिए फायरिंग की गई है। हालांकि अभी तक मुख्य कारण जो है, ठोस कारण कोई निकलकर सामने नहीं आ पाया है। हम ले जा रहे थे उनको कोर्ट में हाजिर करने के लिए, तो मेरे जो ससुर थी थे भाई आगे बैठे थे, मेरे पीछे हमारी आगे मोटरसाइकिल थी, वो पीछे थी, और वो लोग वहाँ पर खड़े थे। तो हम कहा जाने के पीछे आई जी या गोली मार दी इनके, हम तो आगे चल रहे थे, उनने आगे आ गया मोटरसाइकिल पकड़ ली, पकड़ गया उनने तुरंत ही गोली मार दी। कौन लोग थे जिन्होंने मारा? जिन्होंने मारी हम तो उनका नाम तो जानते नहीं है। कोर्ट में क्यों जा रहे थे, क्या मामला था पुराना? पुराना हाजिर होने जा रहे थे ना। क्या मामला क्या था? मामला वो 302 का केस था, कोई हत्या का मामला था वो। जिन्होंने हत्या की है वो उसी मामले के जुड़े हुए लोग हैं? हाँ, उसी में उनका कोई भाई था, मन्नू यानी डब्बू, जो दो लोग नाम मालूम है। अभी अभी कितना समय हुआ, कौन सा दिन है? आज आज सोमवार है। कैसे मारा है? गोली से। आप कौन है मृतक के? मृतक के हम तो जीजा हैं उसके। कहाँ के रहने वाले? गढ़िया बलिदासपुर के, कुरसाईगंज के पास। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नीलेश। उम्र क्या होगी? उम्र ऐसी होगी 28-30 के आसपास। गोली एक मारी दो? एक हाथ। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां तेज रफ्तार कार ने दो बाइक और एक कार में जोरदार टक्कर मार दी है, तो वहीं दो लोग इस पूरे हादसे में घायल हो गए। आपको बता दें कि थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के नेशनल हाईवे अंबेडकर मूर्ति के सामने तेज रफ्तार कार ने खड़ी बाइक और एक कार में जोरदार टक्कर मार दी, तो वहीं लोगों को भी गंभीर चोट आई है। तो वहीं इस पूरी सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां पर पुलिस ने घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है, और इसके साथ साथ चालक को गिरफ्तार कर थाने ले गई है पुलिस। दूसरी तरफ तेज रफ्तार का कहर, जहां बाइक सवार दो युवकों को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी है, जिसकी वजह से दो युवक जो हैं गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके साथ ही युवकों को पुलिस की मदद से उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें यूपी की अगर हम बात करें तो हापुड़ से तेज रफ्तार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, और वहीं अब ये मामले दो जगहों से सामने आया है, जहां पर एक तरफ एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक और खड़ी कार में टक्कर मार दी है, जिसकी वजह से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ की बात अगर हम करें तो वहां पर एक युवक को जो है टक्कर मार दी गई है, जो कि बाइक पर था, और दो युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। हालांकि पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट चुकी है, और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।